जहानाबाद कस्बे में आज मैदान ए करबला में शहीद हुए इमाम हुसैन व उनके 72 अनुयायियों की शहादत पर 40 दिन बाद चहलुम पर्व को मनाया। वहीं लोगों का मानना है कि इमाम हुसैन मुहर्रम की 10वीं तारीख को शहीद हुए थे। आपको बता दें कि 40वें दिन उनके और उनके साथियों की शहादत को याद करते हुए हजरत इमाम हुसैन ने इस्लाम और मानवता के लिए यजादियों की यातनाएँ सही। करबला के मैदान में इमाम हुसैन का मुकाबला ऐसे जालिमों तथा जाविर लोगों से था जिनकी सरहदों मुल्तान से और आगे तक फैली थी। उनके जुर्म को रोकने के लिए इमाम हुसैन आगे बढ़ते रहे, तब उनके साथ मात्र 72 हक परस्त सैनिक थे। वहीं दूसरी तरफ यजीद की 22,000 हथियारों से लैस फौज थी, किंतु 72 साथियों ने इमाम के लिए अपना सब कुछ गंवाने को तैयार थे। करबला में हुई यह जंग देखने में एक छोटी सी जंग थी, लेकिन यह जंग दुनिया की सबसे बड़ी जंग साबित हुई, जिसमें मुट्ठी भर लोगों ने अपनी शहादत देकर एक नई रोशनी दिखाई। वहीं मुहर्रम पर्व के 40 दिनों के बाद सफर माह में मनाया जाता है। इसी दिन हजरत इमाम हुसैन के 40वें दिन चहलुम मनाया जाता है। यह इस्लामिक पैगम्बर हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हुसैन इल अली शहीद की याद दिलाता है। आपको बता दें कि चहलुम पर्व का जुलूस अपनी कदीमी रास्ते से होते हुए थाना परिसर से लगभग 100 मीटर दूरी पर स्थित करबला में ताजियों द्वारा ने ताजियों को सुपुत्र एक खाक किया। वहीं इस मौके पर सैकड़ों की तादाद पर मुस्लिम समाज के अकीकतमंद मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।